विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CMS की ओर से सम्मेलन का आयोजन। CMS संस्थापक जगदीश गांधी ने PC कर दी जानकारी। 18 नवंबर से शुरू होने वाला सम्मेलन 22 नवंबर तक चलेगा। सिटी मॉन्टेसरी कानपुर रोड के ऑडिटोरियम में होगा आयोजन। विश्व के अलग अलग देशों से न्यायमूर्ति इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अल्बानिया, अंगोला, एंटीगुआ, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, ब्राजील सहित 40 देशों के न्यायमूर्ति सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। और इसी तरह आप देखें ताइवान चाइना में इतना तनी है, उसको भी आप देखें। इसके अलावा आप सारी दुनिया की स्थिति को देखिए। आज ईरान का बहुत बड़ा टेंशन है, उन दोनों का इसराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा है, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का झगड़ा, ईरान और अमेरिका का झगड़ा, इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा, इंडिया और चाइना का झगड़ा। तो ये सारे दुनिया में आज एक हाहाकार मची हुई है, बमों की होड़ लगी हुई है, न्यूक्लियर बम, न्यूट्रॉन बम बड़ी भारी तादाद में बनते चले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पागलपन जैसे लोगों में आ गया है मानो। और अभी तक हमारे पास जो कि केवल 28 सभी के लिए तो बहुत अभिरुचि हुआ।
ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म ग्लोबल वार्मिंग एंड वार्मिंग की रिलेशन स्टॉकपाइल ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फियर ऑफ थर्ड वर्ल्ड एंड न्यूक्लियर और तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना और न्यूक्लियर और अपर्ट की संभावनाएँ ये बहुत ही दुखदायी है। यदि ऐसा हुआ तो विनाश बहुत दुनिया में बचेगा, यदि न्यूक्लियर और हुआ तो दुनिया में कुछ भी बचेगा नहीं है। इससे हमारी कोशिश है, एक चीटी की तरह एफर्ट है, एक चीटी एक बंदर ने एक चीटी से कहा करे चीटी तू जो एक एक भाग भाग के जाती है रेत का कण डालती है समुद्र में डालती है तो कहते हैं कृष्ण का पुल बन जाएगा, क्या भगवान राम लंका पहुँच जाएगा? तो मिट्टी डाल ली है तो चीटी ने उत्तर दिया अरे बंदर तू भी जो कंकड़ी पत्री डाल रहे तो क्या इतना पुल न मेरे रेत डालने से बनेगा न तेरे कंकड़ी पत्री डालने से पुल बनेगा, ये तो राम की भगवान की कृपा से बनेगी और जब भगवान की कृपा हो तो पुल बनेगा और राम श्रीलंका जाएंगे सीता माता को उठेगा और देख राम जब जीतेंगे तो जीतेंगे